फ्लाइट एक पब्लिक जगह होती है। ब्रिटेन समेत ज्यादातर देशों में पब्लिक में सेक्स करना एक अपराध है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग फ्लाइट में सेक्स करते हैं। फ्लाइट में सेक्स करने को अंग्रेजी की आम बोलचाल की भाषा में माइल हाई क्लब कहा जाता है। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वह इस क्लब को ज्वाइन करें, लेकिन यह गैरकानूनी होने के साथ ही खतरनाक भी है। हालांकि किसी भी आम इंसान से ज्यादा फ्लाइट अटेंडेंट और पायलट हवाई जहाज में समय बिताते हैं, ऐसे में यह संभव है कि फ्लाइट अटेंडेंट माइल हाई क्लब के मेंबर हों। रेडिट पर जब एक फ्लाइट अटेंडेंट से इससे जुड़ा एक सवाल शख्स ने पूछा तो उसने हैरान करने वाला खुलासा किया। दरअसल एयर होस्टेस ने अपने काम से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने को कहा था। ऐसे में एक शख्स ने उससे पूछा कि क्या वह माइल हाई क्लब की मेंबर है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक उसने कहा, ओके, मैंने एक बार हवाई जहाज में सेक्स किया है, हालांकि मुझे मौके कई बार मिले हैं। जब भी एक पायलट टॉयलेट के लिए जाता है तो एक फ्लाइट अटेंडेंट को कॉकपिट में जाना पड़ता है, क्योंकि नियम के मुताबिक दो लोगों का रहना जरूरी है। उसने आगे बताया, अक्सर पायलट इसे फ्लाइट अटेंडेंट के साथ समय बिताने के लिए बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रेडिट पर इस फ्लाइट अटेंडेंट ने आगे बताया, माइल हाई क्लब में शामिल होने का शौक रखने वाले ज्यादातर लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। एक शख्स ने एयर होस्टेस से पूछा कि अगर आप किसी को ऐसी स्थिति में पकड़ लें तो क्या उसे सजा दी जाती है। एयर होस्टेस ने इस पर बताया, कई बार लोग पकड़े जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहते, हालांकि उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। कई बार उनके ऐसा करने के कारण टॉयलेट के बाहर लाइन लग जाती है, जो उनकी शर्मिंदगी का एक बड़ा कारण बनती है।